दोस्तों की हाल चाल है। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप जिते है इस टाइम इस जगह का नाम है हर सिर, ठीक है कि उत्तराखंड के जेडे बंद ने कल वाला ब्लॉग नहीं देखा जरूर देख लो इतने किमें पहुंचे उत्तरकाशी होके असी। तो ये इतों तुम देख सकते हो कि व्यू कि जबरदस्त है, सारी सारी बर्फ पई हुई है। जो तीन कल पहाड़ देख रहे आप जड़ च बैठे हैं इस टाइम, ठीक है ये आले दुआले सारे सारे पहाड़ ही है। तो ये आप इतने कल रुके से उ सारे कमरे ने, ठीक है। तो इतने कॉटेज भी है एक्चुअल वाले रहने वास्ते, वो भी है सारे आले दुआले पहाड़ ही पहाड़ ने। तो ये एक छोटा जहा कस्बा है जरा है हरशिल, ठीक है। हम अज के साथ प्लैनस ने इतने आले दुआले घूमन दे, ठीक है कुछ हंटिंग करा। एक बड़ी वीर जगह जो उत्थे जा पाए तो पहला हम आप उत्थे ही चलांगे। टाइम अजे ऑलमोस्ट घड़ी मेरी चार्ज नहीं हैगी क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम है। तो इतने मेन गल दस दिना कि टूटियां पानी नहीं आन दिया, ठीक है क्योंकि माइनस टैंपरेचर सीगा राती। तो इस करके इतने सारिया पाइपलाइनस जो फ्रीज हुई पे पानी नहीं, वो नॉर्मल बकट से थोड़ा देंगे ने। इस करके उदा तो मैं चेंज ड्रेसा भी चेंज नहीं किया क्योंकि हिम्मत नहीं पैरी। तो आप इदा ही चल रहे हैं तो पर चलो कोई गल नहीं, आप घूमना मतलब है तैयार श्यार होना नहीं है। तो फिलहाल आप हम इतों निकलोंगे तो कॉफ़ी पी के। तो ये सारा सारा व्यू से यार बहुत ही सोहना व्यू है, मतलब ना इतों बहुत ही सोहना। तो दोस्तों फाइनली हुण आपां इत्थों निकल रहे हैं, ठीक है कितने चलते हैं घूम के आने जिते आप रुके हुए हैं। यदा नाम हैगा जी हिमालयन नेचर रिसोर्ट, ठीक है काफ़ी अच्छा रिसोर्ट है। वैसे तुम आन के स्टे भी कर सकते हो इतने, होर भी है वैसे इदा भी है, ठीक है। तो बट ये अपने बंदे का सीगा इस करके असं इतें रुक रहे हैं। तो इधर हम अपने अभी भाई हुणी भी निकल आए, तो नाल साडा भाई मोनू भी निकल आया पा के चकवी की जैकेट। तो हुणे करूगा अज क्या करने वाला है आज? आज बस जा रहे हैं गिरतांगली। गिरतांगली जा रहे हैं हम आज। हाँ। वहाँ के क्या खास है? वहाँ पे ब्रिज बना है वुडन का। अच्छा तो उसमें चोरी से घुसाएगा तो आज हमें, ठीक है। अगर भाई वो पंगा वगैरह इस बंदे को पकड़ना, ठीक है। और उसके बाद हम जा रहे हैं गंगोत्री जा रहे हैं आज, ठीक है। स्नोमैन बनाएंगे क्योंकि वहाँ पे काफी बर्फ दिखने वाली है आज। तो अभी ठंडी भी है, मतलब जब रात में ज्यादा थी अभी घट है हुण। वैसे मिक्स हो जाता भाई हिंदी पंजाबी क्योंकि हटदा बंदा अज हिंदी वाला आ गया एक पर चलो कोई गल नहीं। हाँ किधर जाना, इधर जाना आप इधर आए थे। तो ये भाई सारा सारा टाउन है छोटा जहा हरसिल, ठीक है। तो इतों अगले बने लास्ट पॉइंट हैगा गंगोत्री, है ना। हाँ उतो अगले बने कुछ नहीं है। झूठ लगी वैसे पर फटाफटा जाऊ अज ये हूं ये कहना सी घर आना आह वाला घर कहता है कि ओदा वा अपने कि विल्सन विल्सन की है। वैसे दस दिन सू विल्सन एक गोरा ही जिन्हें टाउन वसाया है कहें, तो उन्हें चाशनी वाले सेब जी ना चाट क्ढी फिर वो चीज़ सी। तो अगले बन्ने एक चीज़ होर सी भी इतने उन्हें कई होर दरख्त वगैरह भी लाए, ये सारा वह कहता कि मेरा देश है ये, ठीक है कि एक अलग देश है ये। तो इस करके योजे हिस्ट्री सू दसन डेया। तो बाकी हूँ सच कि पता होगा। राती असि इस कोल सानी गड्डी लंघाउण नूं फिरदे हीगे पर लंघनी नहीं सी क्योंकि जगह घट आनी गड्डी चौड़ी है, इस करके आप गड्डी अद्धी बार इत्थे पार्क कर गए सी गड्डी अपनी ना। तो एक चीज़ होर जरूरी दस दिना कि गड्डी नूं तुसीं घटो घट जो तुसीं इदां दे एरिए आए हो ना ठंडी वाली जगह च, तो भावें डीजल है भावें पेट्रोल है, वैसे पेट्रोल नूं फर्क नहीं पैंदा डीजल नूं पैंदा, हार्डली उहनूं 5 मिंट लई स्टार्ट करो, ठीक है जां चलो गर्म नहीं होइंदी प्रॉपर तो फिर ही उहनूं तोरो। तो थोड़ा ही बेनीफिट है गड्डी नूं, नुकसान नहीं हुंदा इंजन नूं, ठीक है। तो क्योंकि गड्डी ठंडी हुई हुंदी आ तेल बिल्कुल ठंडा होया हुंदा, तो इस करके थोड़ा जिहा होगा। तो बाकी इत्थे बहुत सोहणिया कोई पेंटर आया सी तो उहने इहनूं इक्को जिहे कलर च पेंट करता। तो ये तुसीं देख सकते हो कि सामने पेंटिंग्स जिहड़ियां ने उह कीतियां होईयां ने इत्थे, तो ये सारा इक्को कलर च इन्होंने किया होया। तो इत्थे नर्सरी लगी हुई है मेरे हिसाब नाल, ये सारी हाइब्रिड नर्सरी है भाई कहिंदा बहुत सोहनिया पेंटिंग्स की हुई है भाई इन्होंने इको कलर की यह गली बनाती। वैसे मेन मार्केट यही है दोस्तों, इतने PNB बैंक भी हैगी है, अपनी गड्डी भी आ गई।
ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਲੈਕ ਆਈਸ ਇਹਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਥੱਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇਜ਼ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨਾਰਮਲੀ ਹੀ ਚਲਾਓ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਿੱਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਸਕ ਨਾ ਲਿਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਰੀ ਨਹੀਂ ਬਰਫ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਵੈਸੇ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰੋਡ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਿਊ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੱਲੇ ਵੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਵੈਸੇ ਇੱਧਰ ਵਿਊ ਲੱਗਿਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਿਮਾਚਲ ਬਹੁਤ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਰੋਡਸ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਰੋਡਸ ਨੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਹੀ ਵਿਊ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਲਵਾ ਲਿਆ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਡਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੰਕਾ ਬ੍ਰਿਜ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਜਿੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਟੱਪ ਟੁੱਪ ਕੇ ਵੇਹਨੇ ਜੇ ਗਰਾਰੀ ਅੜ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਨ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਥੱਲੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਊ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਲਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਅਲੱਗ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਲਰ ਆ ਬਲੂ ਕਲਰ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਫਾਈਨਲੀ ਬਾਈ ਗੇਟ ਟੱਪ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੜ ਗਏ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਵੁਡਨ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੁਡਨ ਰੋਜ਼ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੈਸੇ ਪੇੜ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ ਪੁੱਲ ਤੋਂ ਆਏ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁੰਮਾਉਂਦੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈ ਆਈਸੈਲ ਫਾਈਨਲੀ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਖੋਲਾ ਥਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 59 ਈਅਰਸ ਕੇ ਬਾਅਦ ਖੋਲਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਲਾਈਕ ਸਪੋਰਟ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸਟੈਪਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਸੁੱਖੀ ਸਾਂਦੀ ਵੈਸੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਪੰਗੇ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬਟ ਕਰਾਰੀ ਸੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁੱਲ ਸ਼ੂਜ਼ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਦੂਜੀ ਬੈਲੀ ਬੁੱਲੀ 'ਚ ਨਾ ਜਾਇਓ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਫਰਸਟ ਸੀਟਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਪੈਸੇ ਬਚ ਗਏ ਬਾਈ ਪੈਸੇ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਾਹਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚ ਗਏ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਫਾਈਨ ਪੈਣਾ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕੋਈ ਅਰਲੀ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਚ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਗਰਾਰੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮਨ ਹੈਗਾ ਪਰ ਵਰਥ ਇਟ ਹੈ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਓਪਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੋਂ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਇੱਥੋਂ ਰਗਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰਮਿਟ ਅਲਾਓ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਨੋਅ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਸਨੋਅ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਾਲੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਕਿਣਕਣੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਵਾਟਰਫਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਪਿਆ ਉਹ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਟਰਫਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਪਿਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੋਂ ਗੰਗੋਤਰੀ ਆ ਗਿਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਬੰਦ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਟੂਰਿਸਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ
थोड़ी स्नोफॉल जी हो रही है। दोस्तों ये मेन टेंपल है, इस टाइम बंद पे है। ते वैसे दा इतिहास जड़ा बाई वधिया तरीके नाल दसूगा शॉर्ट फॉर्म च। इत्थे भाई यार गंगा इत्थों स्टार्ट हुंदी है, पिछे गंगोत्री ग्लेशियर है उत्थों ओरिजिन हुंदी है। गंगे मां इन्हां नूं बेसिकली इत्थे कहिंदे आ भागीरथी, थल्ले जा के भागीरथी ते अलकनंदा मिलदी फिर गंगा बणदी। ठीक है, इत्थों भागीरथी थल्ले नूं जांदी है, बेसिकली ओरिजिन इत्थे है। माँ गंगे का इत्थे मंदिर बनाया, कहिंदे भागीरथी जिहड़े ही उन्होंने इत्थे तपस्या कीती ही ते उत्तों गंगे माँ नूं थल्ले लैके आए। ठीक है, तो दोस्तों ये सीगा इहदा मेन, ते बाकी हुण थल्ले तुहानूं रिवर ते लैके चलदे आपां जिहड़ी कि अद्धी कु जम्मी होई है। वैसे बहुत सोहणा व्यू है उत्थों वी। हुण इह कहिंदे किसे बाबा दी इत्थे कुटिया, मैनूं नाम नहीं पता उहनां दा, ते उत्थे चले ने इह ते मरवाण गया अज ये, क्योंकि ट्रैकिंग हो जाती है, ऑक्सीजन घट है, स्नोफॉल इतने हो जाती है थोड़ी थोड़ी जी। इतने टैंपरेचर इन्ना माइनस च है कि तुम देख सकते हो कि इतने पानी वगैरह सारा जमया होया, बाल्टी बिच जम गई, झरना सीगा सारा जमया होया थले तक। तो दोस्तों हुण फाइनली आपां वापस आ गए हैं, तो हुण चलांगे थल्ले ते कुछ खाने हैं, क्योंकि सवेर दा अज कुछ नहीं खादा, भुखे मारता इन्होंने मैनूं सवेर दा अज, ते हुण कुछ खावा पीवांगे। दोस्तों जबरदस्त वाली स्नोफॉल हो रही है, जबरदस्त वाली, ते सारा वैदर भी तुसीं देख सकदे हो, पहाड़ दे कोलों हट के ते पूरी स्नोफॉल हो रही है। हुण फाइनली स्नोफॉल हो रही है, अनएक्सपेक्टेबल सीगा ये भी इतने भी स्नोफॉल मिलेगी, पर बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो तुम देख सकते हो कितनी स्लोली स्लोली यह डिग रही है। दोस्तों जो थोड़े भी इदा लाइक भाफ जम जाए गड्डी के उत्ते, एक सोल्यूशन है कि इतों तुम इन विंडो वाला करके ए सी ऑन करके इनू छड़ दो। वैसे जो 2000 CC तो उपर वाले इंजन है उन्होंने ऑटोमैटिकली ए सी ऑन रहा है, जस्ट तुम इनू ही प्रेस करोगे, तो फिर यह वधिया चल जूगा। तो जस्ट इनू आप नॉर्मली इतों सिस्टमैटिकली यूज़ करा, तो बाहर वाली हवा अंदर आनी चाहिए, फिर ही चक्या जाऊगा। जो तुम हवा भी अंदर वाली रखिए तो फिर इदा ही रहूगा, फिर जो ए सी ला लो, जो मर्जी कर लो, फिर कुछ नहीं होने लगा। तो इस करके यदा लॉजिक है। वैसे दोस्तों आप इतों ही गए ही होने, अजे उदों ये जमा ही खाली सी, इतने कोई नामो निशान नहीं सी। तुम हम देख सकते हो कि इस ब्रिज से कितनी बर्फ पै रही है, तो सारा ही भर गया। आप चंगे वाले वैसे जाए दोस्तों ड्राइव सेफ कराया करो, जो स्नो पै रही है गड्डी स्किट कर दी है बहुत, टू व्हील स्पैशली, फोर व्हीलर जो चल जाता है। तो हुण सानू भाई अपना इतने किसी कैफे च लैके चलिया, कहिंदा कि बड़ा वधिया फूड मिलता है, तो मैं क्या चल। दोस्तों इत्थे एक मैप लग्या होया जिहड़ा टूरिस्ट मैप है, तो आपां पता वैसे सारा उत्तराखंड का मैप है, तुसीं देख सकते हो किड्डा वड्डा है। तो बट आपां चले सीगे इत्थों, इत्थे देहरादून होना अपने पटना साहिब आ गया, देहरादून आ गया, इत्थों मसूरी नहीं, आपां बार बार बाईपास करके घूमते घुमाते इत्थे आ गए सीगे। ठीक है, उत्तरकाशी उत्थों आप घूमते घुमाते हरसिल, आप इस टाइम इतने हाँ हरसिल, तो इतों अगले बनिया सारा बॉडर है, मतलब कि चाइना का बॉडर है। आप जमा एंटर तैयार आप जाके आए हैं ऑलमोस्ट इतों तक, जिथे आप गंगोत्री जाके आए आप इतने, क्योंकि आप इतने लागों की घूम के, तो इतने जाके आए हैं, एंड पॉइंट साढ़ा ये सीगा जिथे तक आप जाके आए हैं। तो दोस्तों फाइनली असं हम इतों निकल रहे हैं, सोचा क्योंकि बर्फ रात सारी पैनी है, 11 दिन बर्फ ही है इतने, इस तो चंगा कि असं रात फसिए कल राह ब्लॉक हो जाए, इन्हों चंगा कि अं निकल जाइए। तो इस करके फूड अच्छा सीगा, ठीक है, मोमोज बहुत वधिया सीगे, तो न्यूडल्स भी चौमिन ठीक सी, सूप नहीं वधिया लग्या। ठीक है, तो बाकी हुण आपां
निकलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों जिमें आप उपर आई जाने हो गए वापस आ रहे थे और सू बर्फ मिल रही है ठीक है थले पानी से क्योंकि जो टैंपरेचर डाउन जाता तो उसे घट जाता है तो हम इतने फिर प्रॉपर थोड़ा बर्फ मिल रही है राह वापस जाने टैंपरेचर डिग रहा है बहुत ज्यादा हम इतने बंद डील कर रहे सानू ना सेब चाहिए ठीक है जेडे कि इतों के कहें चाशनी वाले सेब होंगे ठीक है क्योंकि इतने के सेब बड़े फेमस तो थले मिले नहीं उन्होंने हम इतने डील करना पड़ता है भाई जी चेक करो तुम व्यू ये बंदे साढ़े ना इतने प्रॉपर्टी ली हुई है चाशनी बहुत ही लाइक इत स्नोफॉल आला फन है मतलब लग रहा जिदा रूं डिग रहा होंगे उत्ते पर बहुत ज्यादा डिग रहा है तंग भी कर दिया कपड़े भी गिले कर दिता होंगे बर्फ वाले तो बहुत ही नजारे ने गड्डी भी अपनी पूरा इंजॉय कर रही है बर्फ फिलहाल सेब साडे बंदे ने हमें अजे तक नहीं दिते पर सेब नहीं है बनावांगे जरूर बर्फ पै रही है दोस्तों इन्नी बर्फ पै रही है कि बाई हूँ टू व्हील गड्डी सी तो इतने फस गई है तो लंघनी नहीं गई हूँ अपनी वैसे तो इस करके हम चेना ला रहे ने बेचारे उन्होंने लैके आए थे गड्डी तो करके लंघन गए क्योंकि बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही है दोस्तों एक निकी जी गड्डी ने बहुत खलारा पाता इन्ना जाम लाता इन्हें अपनी गड्डी पूरी बर्फ ना ढक चुकी है थोड़ा बाद दिखावे फिलहाल अपने को इन्ना टाइम नहीं क्योंकि जो इतने होर फस गए ना तो असं निकल नहीं सकेंगे क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा है दोस्तों एक ये जगह आई है केड़ी जगह है गंगरानी बर्फ के बाद अब गर्मी मतलब यहाँ पे एप्पल खिला दिया तो हम इतने हाँ इतने एक ना चश्मा है पानी का इतने गर्म पानी है और उपर तुम पफारे निकलते देख सकते हो पानी के उत्थे नहाने चले आ हुण लाइक इस जगह से इतने पानी गर्म पानी के पफारे निकलते तो नहाने लग गया दोस्तों बंदे साडे ने नहा लिया तारियां ला लिया तो ये पानी दे विच कुछ खासियत ने कहिंदे की है दे विच ये सल्फर वाटर है सल्फर वाटर है हाँ ये नीचे वोल्केनो होगी ना उसी से ये पानी बॉइल होके आता है इसमें सल्फर भी है अच्छा। ये स्किन डिजीजेस के लिए और बहुत सारी चीजों को उत्तरकाशी आ गए तो इतने रुकेंगे हूँ तो इतने कॉटेज जे ने बड़े वधिया मैं नाम यदा सवेरे तुहानू दस दूंगा तो ये इतने आप इतने आप रुकेंगे इतने वाह वाह कॉटेज जे बने ये जिते आप रुक रहे हैं क्या बात है ये तो काफ़ी लग्जरी है तो इतने चिल होगी बाकी भाई बर्फ बहुत पै गई बहुत वधिया रहा तो उम्मीद है कि तुम अज का दिन भी इंजॉय किया होगा तो कल असं कुछ लोकल इतने तुम होर चीज़ा भी दिखावे एक थोड़ा इंस्टीट्यूट दिखावे उस प्राइज का थोड़े वास्ते कल तो फिर असं कल वापस भी चलेंगे मतलब देखते हैं देहरादून रुकेंगे कि अगे चलेंगे वो थोड़ा कल पता लगेगा तो कल वाला भी बहुत इंट्रस्टिंग होने वाला है तो अजला जो वधिया लगे तो शेयर जरूर कर दियो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग तो मिलते हैं होर कल नवा दिन नवा ब्लॉग लेके बाय बाय।